शुरुआत जो है हमें को प्राणायाम से ही करनी है। तो आज जो है हम लोगों ने प्राणायाम करते समय इस विषय पर चर्चा की थी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम के जरिए हम लोग समाधि में जा सकते हैं। तो अभी जो है हम लोग उसी का ही अनुष्ठान करेंगे। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप लोग को बताया ही मैंने कि श्वास लंबी लेनी है, लंबी छोड़नी है, लेकिन आवाज़ सांस की नहीं आनी चाहिए। अधिक से अधिक लंबी लेनी है, अधिक से अधिक लंबी छोड़नी है। जब छोड़ेंगे तो पेट पीछे चला जाएगा, नाभि पीछे चली जाएगी, जब भरेंगे तो नाभि आगे आ जाएगी, पेट आगे आ जाएगा। अब इसमें विशेष क्या है? विशेष यह है, इसके भी कई स्टेज होते हैं, तो एक स्टेज में बता दूँ। एक तो मैंने कहा था कि आपको अधिक से अधिक लंबी लेनी है और अधिक से अधिक लंबी छोड़नी है। इसके बाद हम जब आगे जाते हैं तो उसमें यह है कि हम जितनी लंबी लेंगे उससे दूनी लंबी हम छोड़ेंगे, और जो हम श्वास की जो भावना करेंगे, यानी श्वास हमारी आ रही है जा रही है, उसको हम महसूस करेंगे, ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, उसको अनुभूत करेंगे। भले धीमा लेंगे, धीमा से धीमा लेंगे, फिर भी हम महसूस करेंगे कि उसका स्पर्श कहाँ कहाँ हो रहा है और उसके प्रभाव कहाँ कहाँ हो रहा है। श्वास के आने का प्रभाव, जाने का प्रभाव हमारे सभी अंगों पर कैसे पड़ता है, उसको महसूस करना है। मशीन की तरह से सांस को खाली खींचना लेना नहीं होता है, उसको महसूस करना होता है, उसके प्रभावों को और उसके स्पर्श। और ऐसा जब हम करेंगे तो देखेंगे कि दिल की जो धड़कन है वह भी हमें महसूस होने लगेगी। सामान्यतः महसूस नहीं होती है, वह दिल की धड़कन भी महसूस होगी, शुरुआत में धीमे धीमे, लेकिन बाद में धीरे धीरे और ज़ोर से महसूस होगी और हमें लगेगा कि इसे बहुत ज़ोर से धक 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 की आवाज़ आ रही है। फैक्ट्री जैसे चलने की आवाज़ भी हम लोग को मालूम पड़ने लग सकती है। तो हम लोग को आराम से उसे महसूस करना है, और उसके बाद आप लोग को एक स्टेज इसके बाद और जाना है। उसमें क्या है कि हम मात्राओं की गिनती करते हैं, और मात्राओं की गिनती जब करते हैं तो 8 मात्रा देने का, 16 मात्रा छोड़ने का, जो उसको गिन सकते हैं, इससे एकाग्रता हमारी बहुत घनीभूत हो जाती है। लेकिन जो नहीं भी गिन सकते हैं वे भी आराम से समाधि में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको पहला जो स्टेज है वही इतना ही याद रख लेंगे कि हम लंबी से लंबी सांस भरेंगे और लंबी से लंबी सांस छोड़ेंगे, तो आप गिनने के झंझट से मुक्त हो जाएंगे, गिनने के झंझट से मुक्त हो जाएंगे। हालांकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपके दिमाग में कुछ विचार आएंगे, ऐसी गिनती क्यों कराई जाती है, आप समझ लीजिए। गिनती कराने के पीछे कारण यह होता है, गिनती का अर्थ होता है विचार, तो विचार को हमें बांधना है, यानी विचार को हमें नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है, विचार की प्रक्रिया को भी समझना है, विचार कैसे उत्पन्न होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है, कैसे चलता है, कैसे प्रभावित करता है, इसलिए गिनती कराई जाती है। और दिमाग जो है ज़्यादा इधर उधर नहीं भटके बल्कि अपने भीतर लगे रहे, इसलिए गिनती कराई जाती है। लेकिन यदि आप गिनती नहीं करते हैं तो आपको फिर क्या करना है, अपने मस्तिष्क पटल पर जो भी विचार उठ रहे हैं, अच्छे भले बुरे कुछ भी, बिना उसकी गुणवत्ता की चिंता किए हुए आपको उसकी प्रक्रिया की चिंता करनी है कि उसकी प्रक्रिया क्या है, दिमाग में विचार कैसे उत्पन्न होते हैं और कहाँ उत्पन्न होते हैं, इसको भी महसूस करना है। यह ध्यान के लिए अति आवश्यक है कि विचार कहाँ उत्पन्न होते हैं, कैसे उत्पन्न हो रहे हैं और किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, और किस तरह से वो अन्य अंगों को प्रभावित करते हैं, किस तरह से हमारे शरीर में रसायन को प्रभावित करते हैं। विचार से ही जो है स्राव होता है, हार्मोन्स का नाम सुने होंगे, हार्मोन्स, ये हार्मोन जो है ये विचारों से ही स्रावित होते हैं। तो हमारे विचार जैसे होंगे वैसे स्रावित होंगे। जैसे मान लीजिए हमारे में काम वासना जगेगी तो हमारे में जो काम के जो हार्मोन हैं वो प्रवाहित होने लगेंगे, जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है,
या एस्ट्रोजन हार्मोन होता है महिलाओं में, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन होता है, तो ये हार्मोन सक्रिय होंगे कैसे, विचार से, विचार से ही सक्रिय होते हैं। उसी तरह से अन्य हार्मोन भी सक्रिय होते हैं, चाहे और हमारे शरीर में कोई भी जो रोग है इस हार्मोन के बैलेंस के बिगड़ जाने से ही होता है। जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो अत्यधिक जिनको चिंता रहती है बहुत सक्रिय होकर सोचते हैं, बहुत महत्वाकांक्षाएँ जिनमें बहुत ज़्यादा होती है कि मैं ये बन जाऊँ वो बन जाऊँ, संसाधन बहुत देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि थैलेमस हम लोग का दिमाग का हिस्सा है वो सक्रिय हो जाता है, और फिर वहाँ पर जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन के थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए वहाँ पर रिलीजिंग हार्मोन शुरू कर देता है। तो ये सब किससे होता है, विचार से होता है, स्ट्रेस होने से। तो हम लोग को विचार ही देना है, हम लोग का जो सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ है वह विचार ही है। तो जब हम श्वास को लंबी छोड़ेंगे और लंबी भरेंगे तो विचार पटल पर ध्यान देंगे, ये जो गिनती पर कर रहे हैं तो ठीक है, इतना गिनती पर करें, गिनती भी एक विचार है। तो हम एक बोलेंगे, दो बोलेंगे, तीन बोलेंगे, एक दो तीन भी विचार है। तो धीरे धीरे आपको यह भी पता